एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर खबरें सामने आई थी कि उनकी हालत गंभीर है। अब हाल ही में धर्मेंद्र ने खुद सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है और इन खबरों को गलत बताया और कहा कि वे इन दिनों चुप हैं, बीमार नहीं। एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में रणबीर ने कहा कि ब्रह्मास्त्र के जरिए खुद का मार्वल बनाने की कोशिश की है। एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का बॉक्स ऑफिस पर फर्स्ट वीकेंड ठीक ठाक रहा। फिल्म ने 3 दिन में सिर्फ इंडिया से ही करीब 40 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। कन्नड़ स्टार पुनीत राजकुमार के निधन के बाद कर्नाटक के होसपेट में उनका एक स्टैचू लगाया गया है। इस मौके पर उनके हजारों फैंस मौजूद रहे। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। सलमान खान स्टारर कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग हाल ही में शुरू हुई। शूटिंग शुरू होने के बाद फिल्म में कई बदलाव हो रहे हैं। अब कभी ईद कभी दिवाली का टाइटल बदलकर भाईजान कर दिया गया है। रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 12 का आगाज हो चुका है। केप टाउन में सभी कंटेस्टेंट्स पहुंच चुके हैं और एक एक करके सोशल मीडिया पर हलचल मचा रहे हैं। सोनाली अक्सर फैंस के साथ अपनी फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं। अब सोनाली ने फैंस को अपने लेटेस्ट फोटोशूट की झलक दिखाई। इनमें उन्हें ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट टॉप और शिमरी पैंट में देखा जा रहा है। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री वर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में धनश्री वर्मा ट्रेडिशनल लुक में नजर आई। मुंबई में डांस दीवाने जूनियर के सेट पर नौरा फतेही और तेजस्वी को स्पॉट किया गया, जहां वो काफी खूबसूरत लग रही थी। मुंबई के बांद्रा में बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान को स्पॉट किया गया, जहां वो कैजुअल आउटफिट में नजर आए।